हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई एफ बी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 48, जहां पर हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है और दोनों को आपस में कैसे चेंज किया जाता है। सारी बातों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बट फ्रेंड्स, अगर आपने लेसन 47 को नहीं देखा होगा तो आपको ये लेसन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके ठीक पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया कि पैसिव सेंटेंस की हमें ज़रूरत क्या होती है, उसको हम पहचाने कैसे, और पैसिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो ऑब्जेक्ट से होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पहचान ना पाए तो भी सेंटेंस को बनाना मुश्किल ही होगा। तो लेसन 47 में मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो पहले आप उस लेसन को वॉच कीजिए और उसके बाद इस लेसन को वॉच कीजिएगा, आपको सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्या आज का लेसन, जहाँ पर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले भी पढ़ रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्टिव। अगर बात की जा रही प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस की, तो आप ध्यान से देख सकते हो इसकी जो पहचान होगी वो क्या होगी, ता है, ती है, ते हैं, या फिर ता हूँ। और ये जो ता शब्द है ना, ये वर्ब के साथ में जुड़कर आएगा। आज हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक ऑप्शन और है, जहाँ पर एक्टिव के साथ साथ हम किसकी बात करने जा रहे हैं, पैसिव की भी बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि जो पैसिव की पहचान होगी वो क्या होगी, जाता है, जाती है, जाते हैं, या फिर जाता हूँ। माइंड आपको ये करना है कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये वर्ब के साथ में जुड़कर आना चाहिए, और जाता है, जाती है, जाते हैं, या फिर जाता हूँ, ये वर्ब के बाद अलग से लिखकर आएगा। एक सेंटेंस है, इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, तो सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, पैसिव का हो गया। तो आपको एक्टिव और पैसिव दोनों सेंटेंस को पहचान कर ही आगे बढ़ना होगा, तभी जाके काम बनने वाला है। अब फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, तो मैंने आपके सामने पूरे के पूरे 6 स्ट्रक्चर ये पैसिव के लिए लिख के रखे हुए हैं, जहाँ पर हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, ऑब्जेक्ट से। बिना ऑब्जेक्ट को पहचाने आप आगे बढ़ नहीं सकते, इस बात को याद रखिएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने एक्टिव में देखा था कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती थी, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट को देखकर ही हम लोगों ने क्या रखा था, डू डज। बिल्कुल वैसा ही काम आज आपको फिर से करना है, बट यहाँ पर इज एम आर का यूज हमें किसको देखकर, ऑब्जेक्ट को देखकर करना होगा, क्योंकि बाई सब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यानी कहने का मतलब ये था कि आज हमें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें सारा काम यानी सेंटेंस को बनाने का जो तरीका होगा वो सारी चीज़ें किसको देखकर, ऑब्जेक्ट को देखकर ही करनी होगी। अब फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए कि अगर मैंने आपसे कहा होता कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो ये हमारा सेंटेंस कहां का हो गया, एक्टिव का हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो मैंने वर्ब के साथ क्या जोड़ा है, ता है, ती है, ते हैं। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है, और इसको एक्टिव से ही बनाना होगा, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई प्ले क्रिकेट। ये बन गया हमारा स्टेटमेंट। अब अगर फ्रेंड्स इसी सेंटेंस को पैसिव बनाना होता तो हमें क्या करना होता, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हर बार हम यहीं पर फंस जाते हैं कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव कैसे करें। करना तो आपको डायरेक्ट इंग्लिश में चाहिए, बट अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप इजी स्टेप पकड़ सकते हो। ध्यान से देखिए कि लिखा था क्या कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर इसी हिंदी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव में बोलूँगा तो मैं कैसे बोलूँगा, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। बस इतना ही करना है आपको, और इसके बाद इसका ट्रांसलेशन करना होगा और कुछ नहीं। तो सेंटेंस क्या था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, और अब हमारा सेंटेंस बन चुका है क्या कि मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। कुछ नहीं करना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के साथ द्वारा जोड़ दीजिए, आप सेंटेंस को गलत बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस था क्या मैं, अब ऐसा तो नहीं बोलोगे ना आप कि मैं के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, हमें क्या बोलना पड़ेगा, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब बस ये हमारा सेंटेंस पैसिव हो गया, इसको बनाना है तो हमें स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट वन को यूज़ करना होगा।
अब बात आई है कि सबसे पहले हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैंने आपको इसके ठीक पहले वाले लेशन में बताया हुआ है कि सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढनी होगी। तो वर्ब यहाँ पर हमें क्या मिली, खेलना। इसके बाद हमें क्वेश्चन करना है क्या खेला जाता है, तो आंसर क्या आएगा, क्रिकेट। बस यही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो CRICKET, क्रिकेट हमने ऐड कर दिया। अब क्रिकेट क्या होता है, किसी खेल का नाम ही होता है, और नाम के साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, इस। तो इसको ऐड कर दीजिए। मेन वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म रखनी होगी, थर्ड फॉर्म। और वर्ब क्या थी, प्ले। तो प्ले को हम थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, प्लेड ही तो बोला जाएगा, तो क्रिकेट इज प्लेड। और अगर सेंटेंस इतना ही होता कि क्रिकेट इज प्लेड, तो हिंदी क्या होगी कि क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन हमारे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिकेट इज प्लेड। और इसके बाद हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, By me। तो क्रिकेट इज प्लेड by me, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ये सेंटेंस एक्टिव का था और इसको मुझे पैसिव करना था, तो इजी स्टेप यही थी कि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो पहले आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में लिख लीजिए, और उसके बाद हिंदी के सेंटेंस को हिंदी में ही पैसिव कर दीजिए, और उसके बाद उसको क्या कीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, एंड क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता है। इस क्रिकेट प्लेड बाय मी, क्या मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, और इस क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी, क्या मेरे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता है। व्हाई इज क्रिकेट प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट क्यों खेला जाता है, एंड व्हाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता है। आप फ्रेंड्स इंग्लिश का एक सेंटेंस लेते हैं और उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैंने आपसे कहा होता कि यू स्पीक इंग्लिश, और इसी सेंटेंस को अगर मुझे पैसिव करना होता तब मैं इसको पैसिव कैसे करता, वो सारी चीजें आप ध्यान से समझ सकते हैं। एक्चुअली अगर बात पैसिव करने की है तो आपको हिंदी वगैरह लिखनी नहीं है, बट अगर इजी स्टेप की बात करें यानी बिगनिंग स्टेप की बात करें तो आपको ऐसा करना पड़ सकता है, तो आप बिल्कुल ऐसा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस क्या था कि यू स्पीक इंग्लिश, और इसको आप चुपचाप हिंदी में लिखिए, इसकी हिंदी क्या होगी कि आप अंग्रेजी बोलते हैं। ये हमारा इसका हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। अब इसी सेंटेंस को फिर से पैसिव बोलिए, क्या बोलना पड़ेगा कि आपके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। इसको भी लिख लीजिए कि आपके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा कहाँ का, पैसिव का हो गया। अब अगर ये सेंटेंस हमारा पैसिव का है तो इसको पैसिव से बना लीजिए। सेंटेंस में देखिए हमारी वर्ब क्या थी, बोलना, और क्या बोली जाती है, इंग्लिश। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पर, इंग्लिश। इसके बाद फिर से हमें क्या हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी, और इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम ही तो है, और नाम के साथ क्या लगाना पड़ेगा मुझे, इस। तो इंग्लिश इज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। वर्ब क्या थी यहाँ पे हमारी, बोलना, और बोलना को क्या बोलते हैं, स्पीक। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, स्पोकन, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही ऐड करनी है। तो इंग्लिश इज स्पोकन, और आपके द्वारा लिखा हुआ है, तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, आपके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। आपको भी ऐसे ही करना है, अगर आपके पास इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसे हिंदी कर लीजिए और फिर चेंज कर लीजिए। और अगर आप डायरेक्ट कर सकें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती, बट एक बात को और माइंड कीजिएगा कि हमारा अगर सेंटेंस सिंपल है तो एक्टिव पैसिव चाहे जो भी हो वो सिंपल ही बनेगा, और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता तो हमारा एक्टिव पैसिव भी नेगेटिव बनता। एक एग्जांपल और लेकर इसको समझते हैं। अगर फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा होता कि यू डोंट स्पीक इंग्लिश, सेंटेंस को ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा है कि यू डोंट स्पीक इंग्लिश, तो इसकी हिंदी क्या होगी कि आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो। और अगर इसी को मैं पैसिव करूंगा तो मैं यही तो बोलूंगा ना कि आपके द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। कुछ नहीं करना है आपको, ये सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो हमारा जो पैसिव है वो भी हमारा नेगेटिव ही बनेगा। अब क्या करना होगा, इंग्लिश, और इसके बाद हमें यहाँ पर ऐड कर देना है क्या, नॉट। तो इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय यू, आपके द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। और अगर सेंटेंस होता कि व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, तो हिंदी क्या होती कि आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, पैसिव करेंगे तो क्या बनेगा कि व्हाई इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू, आपके द्वारा अंग्रेजी क्यों बोली जाती है। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, हॉकी इज प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा हॉकी खेली जाती है।
और अगर इसी तरीके से आपको पैसिव का सेंटेंस मिल जाए तो आप उसको एक्टिव भी कर सकते हैं। जैसे सोचिए कि आपके पास सेंटेंस क्या है कि आपके द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, तो सेंटेंस क्या बन गया, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय यू। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्ट बनाने में तो आप इसकी हिंदी बदल सकते हो, यानी जहाँ पर आपके द्वारा लिखा था इसी को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। तो आपके द्वारा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे। और एक्टिव करना होगा तो हमें वर्ब के साथ ता है ती है ते हैं जोड़ देना है, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा कि आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। और इसके बाद इसको ट्रांसलेट करना तो आसान हो चुका है, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। और फ्रेंड्स अगर बात प्रैक्टिस की हो रही है तो पहले आपको इस इजी स्टेप को फॉलो कर एक दूसरे में चेंज करना सीखना होगा, और इसके ठीक बाद आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा मम्मी कुक्स फूड, तो मम्मी खाना बनाती हैं, फूड इज कुक्ड बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा भोजन बनाया जाता है। आई एम नॉट स्कॉल्डेड बाय पापा, पापा के द्वारा मुझे नहीं डांटा जाता है, एंड पापा डज नॉट स्कॉल्ड मी, पापा मुझे नहीं डांटते हैं। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, एंड वाई इज इंग्लिश लर्न बाय यू, आपके द्वारा अंग्रेजी क्यों सीखी जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेसन में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।